ओम शांति। अव्यक्त मुरली इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 35वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है बाप दादा की उम्मीदें। बाप दादा की उम्मीदें, और ये मुरली बाबा ने चलाई थी 13 नवंबर 1969। 13 नवंबर 1969। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। रोजाना सवेरे सवेरे बाबा क्या कहते, कहाँ से उठकर आओ, कहाँ से उठकर आओ, परम धाम से उठकर आओ। मैं अवतरित हुई हूँ आज सवेरे सवेरे, वहां से आओ और फिर शरीर से सारा दिन काम कराओ और रात को सोने के लिए फिर कहाँ जाओ, परम धाम। रात को सोना परम धाम में है बाबा की। इस शरीर में नहीं सोना है, इस शरीर में नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है शरीर में, क्यों नहीं सोना है शरीर में? शरीर है गाड़ी, शरीर है गाड़ी में कौन सोता है, ड्राइवर। गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, गैरेज। और जो मालिक है वो कहाँ सोता है, घर में। ठीक है, हम ड्राइवर हैं परंतु हम मालिक हैं, ये याद रखना। गाड़ी को गैरेज में खड़ा करना है और अपने घर में सोना है। हमारा घर है परम धाम और ये जो घर है यह गैरेज, यानी सोना। नई नई ढूंढ के लाते ना बातें, नई नई बातें। ये बातें बाबा की बन रही है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, नहीं लगेगी गर्मी। लगती शरीर को है ना, फील करने भी हमने दिया, हमने ही ये दिया। फील करो, मतलब मेरे ऊपर है फील करूं, मेरे ऊपर है फील नहीं करूं। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने। रूस के प्रेसिडेंट में ये विशेषता है कि वो ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में भी चला जाता है। ये स्टंट किए हुए थे ने? और गरम गरम पानी में भी, गर्मी और सर्दी भी सबको एक जैसे थोड़ी लगती है। जिसने अपने आप को जितना तैयार कर रखा, जितना अपने आप को कमांड कर दो, संकल्प का खेल है। मतलब अब हम शरीर के कारण संकल्प करते हैं, हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है, यानी तो उसको फीलिंग करना हमारे हाथ में। भाई ज्यादा से ज्यादा ये शरीर छूट सकता है, लास्ट में तो यही होगा ना, शरीर छूट सकता है और से ज्यादा फांसी तो नहीं आ सकती। इसलिए सचिन भाई बताते हैं एग्जांपल, कहाँ की जेल की बात है, वहाँ के कैदियों को ट्रेनिंग ही दी जाती है गर्म पानी से नहाओ, गर्म मतलब उसकी इतनी इम्यूनिटी डाउन कर दी क्योंकि चारों तरफ बर्फ, वो बर्फ है, वो कैदी भाग नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं होती ठंडे पानी में निकलने की, वही पड़े रहते हैं। बताई थी उन्होंने, मतलब मेन बात हमें सुनी, हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। अब वही सुई होती है, लगा लो कुछ नहीं होता, कई तो सुई को देखते ही रोना शुरू कर देते है नहीं, अरे एक अलग अलग है ना। तो डिपेंड करता है ऑर्डर करने पर, आप ऑर्डर कर दे, शराबी ऑर्डर करता है तीखे पानी कड़वे पानी को पी जाता है, कुछ नहीं होता। ये समझ में आ जाए,
तब तो संकल्पों पर विजय हो। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का करना, पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा, बाप भी दादा भी अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर फिर इस शरीर में आना। हम बाप के शरीर में घुस रहे, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा ही अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं, किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। तो तुम भी बाबा के शरीर में प्रवेश करो, किससे मिलो? वे सारी आत्माओं से मिलो ना, तुम भी वे सवेरे उठे हो, आप इस शरीर में आए हो, अब आत्माओं से बात करो ना। मैं आके आत्माओं से बात करता हूं ना, तो तुम्हारा तो शरीर है नहीं, शरीर तो ये मेरा है, तो तुम आओ इस शरीर में, फिर इस शरीर से किससे मिलो? आत्मा। रिश्ता याद आया तो आत्माओं से नहीं मिल रहे, किससे मिल रहे हैं? बेड़ा गर्क, देहधारियों से मिल रहे हैं। ये भी तो है, ये भी तो बाबा युक्तियां तो रोजाना नई नई ढूंढ के लाता है ना। नहीं नहीं ढूंढ के लाता है ना बाबा भी। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माओं से। आत्माएं कौन सी, कौन सी आत्माओं से आके बाबा मिलते हैं? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मक्खन पुराले कहता है बाबा किन से आके मिलता है? जो विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। फिर कहते हैं नशा चढ़ा, इतना नशा रहता है उतर तो नहीं जाता। हाँ जी, हमें भगवान के सामने बैठ के पढ़े हैं, भगवान हमको पढ़ा रहा है, बाप दादा से मिलन मनाया है हमने। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को ही देखते हैं। तो तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लक्की सितारे भी हो और नैनों के सितारे भी, और कौन से सितारे हो? जो कार्य अब बच्चों को रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो, काम रहा हुआ है वो भी तो सितारे ना, जो मेहनत का कार्य है वो भूल गए हो, याद करो अपने कर्तव्य। आज की मुरली का टाइटल क्या है? उम्मीदों के बाप की, उम्मीदों के सितारे हो। क्योंकि बाप दादा तो आपको कैसे देखते हैं? सत्य के देवी देवता, परफेक्ट। बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वे कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए, एक से ही अनेक बनने हैं, ये चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे, संख्या तो बहुत ज्यादा
बन रहे हैं, क्वालिटी बनानी है। क्या बनानी है? क्वालिटी बनानी है। क्वांटिटी बनाना सहज है, ज्यादा संख्या बनाना तो सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, ये उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। ये उम्मीद बाप दादा कहाँ रखते हैं? सितारों में रखते हैं। अभी ये कार्य रहा हुआ है, अभी ये कार्य रहा हुआ है, क्वालिटी बनाना है, क्वांटिटी बनाना ये तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने का, बनाने की सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वही एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाए, क्वालिटी की एक आत्मा क्वांटिटी को आपे लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है, और कमजोर ढेर सारे बना दिए वो तो किसी को नहीं लाएंगे। क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो, जितनी सेवा आपको करनी चाहिए जरा उसे देखकर बताओ क्या आप अपनी सेवा से संतुष्ट हो, क्वांटिटी को देखकर खुश हो, कितने ज्यादा भाई बहनों को ज्ञान सुना दिया, खुश होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट। संख्या को मत देखो, ये देखो कितनी क्वालिटी की सेवा की है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होंगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी, पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका इस कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हीं को ही सहज लगता है, ये क्यों? कभी उनको मेहनत लगती है, कभी उन्हीं को ही क्या लगता है? सहज लगता है, क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं इनके भाग्य में ही नहीं है, यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे, किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है। श्री मत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण ये है, बातें तो सभी बुद्धि में हैं, बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि, बारीकी से सूक्ष्म सूक्ष्म देखो, महीनता में जाने का अभ्यास करना है। कोई भी बात को गहराई से समझने का अभ्यास करना है,
दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि जो सुना है वो करना, उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलोर कर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो ये भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है, महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं और उसका ज्ञान, उस ज्ञान की महीनता में ले जाए, उसको सुनाए कितना, उस महीनता में जाकर ज्ञान को बहुत बारीकी से समझाएं और फिर उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं, तो उनको उनको मेहनत का चार मक्खन मिल गया ना, मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है, अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है, शरीर की शक्ति कब मिलती है, जब भोजन महीन रूप से खा, महीन रूप से खाना माना चबा चबा कर खा, निगल गए तो शरीर को कोई ताकत नहीं मिलेगी। जितना भोजन को चबा चबा कर खाएंगे उतना शरीर की शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार ज्ञान को भी जितना बारीकी से समझेंगे उतना आत्मा भी शक्तिशाली। तो उस भोजन की शक्ति बनती है, भोजन का महीन रूप क्या बनता है, खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो आप सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे, तब रत्न देखने में आएंगे हर एक बात का की वैल्यू का पता पड़ेगा, हर एक की बात का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूएबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू काम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो, आप बाप दादा के वैल्यूएबल रत्न होना, बोलो वैल्यूएबल रत्न होना। वैल्यूएबल रत्न को क्या किया जाता है, जो कीमती होता है रत्न, संभाल कर छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रत्न हैं उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते, किससे छिपा के रखते हैं, माया से छिपाते। बाप दादा वैल्यूएबल रत्नों को माया से छिपाते, माया से छिपा कर फिर कहाँ रखते हैं, माया से छिपा कर कहाँ रखते हैं। जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करें। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के भी तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है, तख्त है वा बैगर हो,
तख्त है या बैगर हो। बैगर माना जिसके पास कुछ भी, तब तो बैगर। और फिर कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के देवता। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? एक ही तख्त है जो फ्री में मिल सकता है, बाबा का देव तख्त। ये सारे जहान के तख्तों से भी श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वो क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन शांत।